हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राम भवन मैथ में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ का दोस्तों प्रश्नावली 2E का पार्ट नंबर 6। ठीक है दोस्तों यदि पार्ट नंबर 5 नहीं देखे हैं जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लें। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 14 प्रश्न नंबर 5 में 14 तक पार्ट नंबर 5 में दोस्तों 14 तक क्वेश्चन हल कर दिए हुए हैं। और दोस्तों छठे में दोस्तों आप प्रश्न नंबर 15 से चालू करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। देखिए वाई बराबर दिया है एक्स पर पावर एक्स प्लस 10 पर पावर लाग एक्स, इसी को एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे माना y1 इसको मानेंगे, y1 इसको मानेंगे, y2। ठीक है, तो y1 बराबर क्या है x पर पावर x। ठीक है, y2 बराबर क्या है tan पर पावर log x। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इसके जगह क्या y बराबर क्या है y1 प्लस y2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका अवकलन करेंगे जब x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dy/dx बराबर dy1/dx प्लस dy2/dx हो जाएगा। ठीक है, इसी का मान हम सभी दोस्तों निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, y1 का मान निकालेंगे, तब उसके बाद y2 का मान निकालेंगे, उसके बाद उसी में इसी में रख देंगे मान, तो वह उसका मान आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। तो करिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाए y1 बराबर x पर पावर x हो जाएगा, इसी का अवकलन करिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे y बराबर लिखे हुए हैं दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे दोस्तों, x लाग लेने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, तो लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लाग y1 बराबर लाग x पर पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो जब लाग m इन पर पावर n रहता, जो n रहता वो बगल में आ जाता पावर, तो क्या हो जाए लाग y1 बराबर x लाग x हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे d/dx लाग y1 बराबर d/dx x इंटू लाग x हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र होता है देखिए, ये इंटू में दिया रहे, यदि उसका अवकलन करना रहे तो क्या सूत्र होता है ये देख लीजिए। मान लीजिए d/dx, ठीक है, फर्स्ट एक पद दिया और एक पद सेकेंड दिया है। ठीक है, ये दोनों में रिलेशन से इंटू का है, गुड़े का है, देखिए यहाँ पर गुड़ा है ना दोनों के बीच में। ठीक है, इसमें गुड़ा है, क्या करते हैं फर्स्ट को रोकते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट को उसी तरह उतार देते हैं, सेकेंड का अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद क्या करें, यहाँ फर्स्ट रोके हैं ना, तो यहाँ पर सेकेंड रोकेंगे, सेकेंड रोक दीजिए। ठीक है, उसी तरह उतार दिया, फर्स्ट का क्या करेंगे दोस्तों अवकलन करिए, कर दीजिए, ये दोस्तों आप सभी का सूत्र हो जाएगा। इसी सूत्रों पर इसी इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, क्या करेंगे लाग y1 का अवकलन सबसे पहले करेंगे, तो यहाँ पर हो जाए यहाँ तक, इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, इसका अवकलन क्या होता है यहाँ पर 1/dx होता, लाग एक्स दिया रहे यदि, तो क्या मन में मान लीजिए y1 को एक्स, तो लाग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/dx होता है, तो एक्स की जगह क्या लिखें y1 लिख देंगे। ठीक है, इंटू dy/dx कर देंगे, बराबर क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, इस फर्स्ट को रोक दीजिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकेंड, फर्स्ट को रोकिए, सेकेंड का अवकलन, तो लाग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/dx होता, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, देखिए यहाँ पर सूत्र में प्लस है तो प्लस, सेकेंड रोकिए, सेकेंड दिया लाग एक्स उसी तरह रहने देंगे, एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, जो y1/y1 है इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा dy1/dx हो जाएगा बराबर y1 कोष्टक के अंदर ये x से, ये x क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर, 1 प्लस लाग x हो जाएगा। ठीक है, तो ये y1 का मान ऊपर क्या माने थे, x पर पावर x माने हुए थे ना, तो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो जाए dy1/dx बराबर हो जाएगा x पर पावर x इंटू 1 प्लस लाग x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब निकल गया y1 का मान तो निकल गया, अब इसके बाद y2 का मान निकालेंगे। ठीक, तो y2 बराबर क्या है यहाँ पर दिया है देख लीजिए, यहाँ y2 का मान दिया है tan x पर पावर लाग x, तो इसमें सबसे पहले दोनों पक्षों का लाग लेंगे, लाग y2 बराबर हो जाएगा लाग tan x पर पावर लाग x हो जाएगा, जब ये पावर है तो ये बगल में आ जाता है, तो लाग y2 बराबर लाग x इंटू लाग tan x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, जब दोस्तों अब इसको मान लीजिए फर्स्ट
इसको मानिए सेकेंड, उस सूत्र पर बताए हुए हैं उसी सूत्र पर इसको रख दिए फर्स्ट और सेकेंड पर, तो इसके यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए क्या होता है अवकलन। अब देखिए दोस्तों अवकलन करेंगे डी बटे डी एक्स इंटू लाग वाई टू लिखेंगे, बराबर कर देंगे यहाँ पर डी बटे डी एक्स, यहाँ पर लाग एक्स इंटू लाग टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसको मन में मान लीजिए एक्स, तो लाग एक्स का अवकलन क्या तो वन बटे एक्स होता है, एक्स के जगह क्या लिखेंगे वाई टू लिख देंगे इंटू, और फिर वाई टू का अवकलन क्या हो जाएगा डी वाई टू बटे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, बराबर कर देंगे। इसमें क्या इसको रोकते हैं, देखिए इसको मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड बताए हुए हैं, तो फर्स्ट रोकते हैं तो लाग एक्स रोक दिए, अब लाग एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, इसको मन में मान लीजिए एक्स, टेन एक्स को मानिए एक्स तो क्या हो जाएगा वन बटे एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह क्या लिखेंगे टेन एक्स लिखेंगे इंटू, जो माने हुए हैं इसका भी अवकलन करते हैं तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर देंगे सूत्र में, उसके बाद क्या है सेकेंड को रोकते हैं, फर्स्ट का अवकलन लाग एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा वन बटे एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी को हल करिए तो देखिए वन बटे वाई टू दिया तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी वाई टू बटे डी एक्स बराबर वाई टू हो जाएगा, कोष्टक अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा लाग एक्स, देखिए सेक स्क्वायर को क्या कह सकते हैं वन बटे कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, तो वन बटे कास स्क्वायर लिख दिए हैं, ठीक है। इसको टेन को साइन कास के रूप में बदल दीजिए तो इसका लाग हो जाएगा इसमें गुणा, इसका इस दो पद में तोड़िए तो साइन एक्स बटे कास एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ कास से या कास एक पद कट जाएगा, क्या बचेगा एक पद यहाँ पर बचेगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा लाग टेन कोष्टक के अंदर टेन एक्स बटे एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको तो सेम उसी तरह उतारेंगे डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, डी वाई टू बटे डी एक्स हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए वाई टू का मान क्या दिया है टेन दिया है टेन पर पावर लाग यक्स दिया, तो इसको कर देंगे कोष्टक के अंदर क्या करेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे तो लाग यक्स हो जाएगा, ठीक है। इस आपस में गुणा करेंगे तो क्या साइन एक्स इंटू कास एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर देंगे, इसी तरह सेम उतारेंगे लाग टेन एक्स बटे एक्स कर देंगे, ठीक है। अब यह एक मान हो गया डी वाई टू बटे डी एक्स का मान निकल गया यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों समीकरण वन में समीकरण दो और तीन से रखने पर, ठीक है, समीकरण एक वन में दोस्तों दो और तीन का मान रखेंगे तो इसको मान लीजिए दोस्तों तीन, ठीक है, समीकरण तीन इसको मान लीजिए और क्या, इसके पहले डी वाई वन बटे डी एक्स को वन मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान जब रखेंगे आप सभी लोग देख लें, जब रखेंगे डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा बराबर, तो वन को पहले वाले वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा वन वाला यहाँ निकलिए एक्स पर पावर एक्स इंटू कोष्टक वन प्लस लाग एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा लाग टेन पर पावर लाग एक्स कोष्टक के अंदर लाग एक्स बटे साइन एक्स इंटू कास एक्स प्लस लाग कोष्टक के अंदर टेन एक्स बटे एक्स, ये दोस्तों आप सभी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें शेयर करें, यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो 16 नंबर में दोस्तों आप सभी का देखें दिया हुआ है तीन पद, ठीक है, वाई बराबर क्या दिया एक्स पावर एक्स प्लस ए पर पावर एक्स प्लस ए एक्स पर पावर ए दिया है, यही दिया है, इसी को हल करना है। तो हल करेंगे माना, सबसे पहले करेंगे माना वाई वन बराबर एक्स पर पावर एक्स, वाई टू बराबर क्या मानेंगे ए पर पावर एक्स, वाई थ्री बराबर क्या मानेंगे एक्स पावर ए, ठीक है, तथा वाई बराबर क्या हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। इसको एक्स के सापेक्ष जब इसका अवकलन करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा एक्स के सापेक्ष, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई वन बटे डी एक्स प्लस डी वाई टू बटे डी एक्स प्लस डी वाई थ्री बटे डी एक्स, इसी तीनों का मान निकाल कर इसी में रख देंगे, वही आप सभी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन 15 में वाई वन बराबर एक्स पर पावर एक्स का मान निकाले हुए हैं, क्या निकाले थे दोस्तों आप सभी को बता दें हम एक बार, का मान निकाले हुए थे हम दोस्तों एक्स पर पावर एक्स कोष्टक में वन प्लस लाग एक्स निकाले हुए हैं, ठीक है। तो इसको तो हम बता नहीं रहे हैं, इसको यही क्वेश्चन देख लें आप सभी लोग। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, अर्थात यहाँ पर डी वाई टू बटे डी एक्स तक से बताएंगे, तो यही यहाँ से देखिए
देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या डी वाई वन वटे डी एक्स का मान डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इसके पहली वीडियो में देख लीजिएगा। एक्स पावर एक्स कोष्टक वन प्लस ए लाग एक्स, ये समीकरण वन मान हो गया, ठीक है। अब इसी तरह समीकरण टू का वाई टू बराबर क्या दिया है, ए पावर एक्स दिया था। इसमें सबसे पहले लिखेंगे दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों का लाग जब दोस्तों लेंगे क्या लाग वाई टू बराबर हो जाएगा लाग ए पावर एक्स, जो पावर रहता दोस्तों ये बगल में आ जाता है, तो लाग वाई टू बराबर एक्स इंटू लाग ई आधार ए हो जाएगा, ठीक है। ये आधार ई इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका अवकलन, इसको मन में मान लीजिए एक्स, तो लाग एक्स का अवकलन वन बटे एक्स होता है, वन बटे एक्स की जगह क्या लिखेंगे वाई टू लिखेंगे, ठीक है, इंटू फिर इसका जो माने हुए थे इसका भी अवकलन करना रहता है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई टू बटे डी एक्स हो जाए बराबर। इसमें देखिए इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको सेकेंड मानिए, ये देखिए कांस्टेंट, इसका अवकलन क्या हो जाए जीरो हो जाएगा, तो क्या एक्स इंटू जीरो प्लस इसका, इसको रोक दीजिए उसी तरह, इंटू एक्स का अवकलन वन हो जाता है, ठीक है। अब इसी को हल कर दीजिए कि वाई टू वन बटे वाई टू, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई टू बटे डी एक्स बराबर वाई टू कोष्टक में लाग ए आधार ई हो जाएगा, ठीक है। अब वाई टू का मान यहाँ पर निकाले हुए, देखिए यहाँ पर वाई टू का मान यहाँ पर दिया ए पावर एक्स दिया है, ठीक है, यहीं पर रख देंगे क्या डी वाई टू बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा ए पावर एक्स इंटू लाग ए आधार ई हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर समीकरण सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाई थ्री बराबर एक्स पावर ए का अवकलन करेंगे, तो एक्स की सापेक्ष अवकलन करेंगे दोस्तों, इसको हल कर लीजिएगा, इसको डायरेक्ट बता दे रहे हैं डी वाई क्यू बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा ए एक्स पावर ए माइनस वन हो जाएगी, ये समीकरण मान लीजिए इसको सेकेंड, ठीक है, थर्ड मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है देखिए, इसके बाद देखिए दोस्तों समीकरण फर्स्ट में सभी डी वाई वन बटे डी एक्स इन कामा डी वाई टू बटे डी एक्स इन कामा तथा डी वाई थ्री बटे डी एक्स का मान रखने पर, अब समीकरण वन में इस तीनों का मान रखेंगे क्या हो जाए डी वाई बटन बराबर हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, सॉरी दोस्तों डी बटन डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा, पहला हो जाएगा, तो पहला क्या निकला हुआ है एक्स पावर एक्स इंटू कोष्टक में वन प्लस लाग एक्स प्लस, और सेकेंड का क्या निकला ए पावर एक्स इंटू लाग ए आधार ई प्लस, अब थर्ड क्या निकला अभी दोस्तों तुरंत क्या निकला है एक्स पर पावर ए माइनस वन, ये दोस्तों आप सभी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सत्रह नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सत्रह नंबर है दोस्तों, यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें, यदि इस चैनल पर पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के वीडियो डेली बाई डेली डाला जाता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सत्रह, वाई बराबर दिया है एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स पूरे बटे क्या दिया वन प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर थ्री बटे टू दिया है, तो इसको क्या हल करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं दोनों पक्षों में लाग लेंगे, तो दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो लाग वाई बराबर क्या हो जाएगा लाग कोष्टक में एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पर पावर वन प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर थ्री बटे टू हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या लाग वाई हो जाएगा, लाग वाई बराबर क्या हो जाएगा इसका गुणा इसमें करेंगे तो लाग एक्स इन प्लस, देखिए प्लस इस दोनों में प्लस कर देंगे, फिर क्या करें इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या लाग, अभी देखिए अंडर रूट का अर्थ क्या होता है वन बटे टू होता है, तो वन प्लस एक्स पर पावर वन बटे टू हो जाएगा, फिर देखिए बटे है तो माइनस आ जाएगा लाग कोष्टक में वन प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर थ्री बटे टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पावर ये बगल में आ जाता है ये भी पावर बगल में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स के साथ ही चौकलन करेंगे, डायरेक्ट बता दिए हुए हैं, तो अभी पिछले में जितने करेंगे क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स लाग वाई बराबर डी बटे डी एक्स लाग एक्स प्लस वन बटे टू, जो ये वन बटे टू ये बाहर आ जाएगा वन बटे टू डी बटे डी एक्स इंटू ये जो बाहर ये लाग हो जाएगा, इसमें देखिए क्या कहें लाग यहाँ पर किया है लाग वन प्लस एक्स, ठीक है, फिर माइनस है माइनस कर देंगे, देखिए माइनस माइनस है, देखिए ये जो पावर है बगल में थ्री बटे टू इंटू डी बटे डी एक्स इंटू ये क्या लाग वन प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे इसका अवकलन क्या हो जाता है वन बटे वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये देखिए इस यहाँ इसका अवकलन क्या है वन बटे एक्स हो जाएगा प्लस एक्स वन बटे टू रहेगा ही इंटू इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा वन बटे वन प्लस एक्स इंटू फिर इसका अवकलन करते हैं तो वन हो जाएगा, वन का जीरो हो जाता है जीरो इसको छोड़ देते हैं, एक्स का अवकलन करेंगे तो वन हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है।
तीन बटे दो है तो दो कर देंगे इंटू, फिर इसका अकलन इसको मन में मान लीजिए एक्स है तो क्या हो जाएगा वन बटे एक्स हो जाता है। एक्स की जगह क्या लिखेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे इंटू, फिर इसका अकलन करेंगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अकलन अवकलन क्या होता है टू एक्स हो जाता है। इसको हल करते हैं ठीक है। इसके बाद देखिए दो से यह दो क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा वाई कोष्टक में वन बटे एक्स प्लस यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों वन बटे टू कोष्टक में वन प्लस एक्स माइनस है तो माइनस बचेगा। देखिए यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर थ्री एक्स हो जाएगा तो थ्री एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। अब वाई देखिए यहाँ पर देख लीजिए सत्रह नंबर में शुरू में क्या दिया वाई बराबर क्या दिया एक्स कोष्टक एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर थ्री बटे टू दिया है। यही वाई का मान यहाँ पर रख लेंगे ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर रखेंगे जब यहाँ पर क्या एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स क्यूब पर पावर थ्री बटे टू इंटू इसको इसी तरह उतार देंगे वन प्लस एक्स प्लस वन बटे टू कोष्टक में वन प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोस्तों आप सभी का आंसर हो जाएगा ठीक है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें, इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो दोस्तों यहीं से, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।